एक बार सैलरी स्ट्रक्चर को भंवर आप ही समझ लें, क्योंकि जो भी नौकरी पेशा हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि जो सीटीसी मिल रही है उस पर क्या लाभ है, या सीटीसी में क्या क्या शामिल होता है, कितने तरीके के भत्ते हैं जो कि एक नौकरी पेशा को मिलते हैं, रिइंबर्समेंट का क्या फायदा होता है। तो किसी को अगर अपने सैलरी स्ट्रक्चर से ज्यादा हाथ में कमाई चाहिए और उसको टैक्स में नहीं गंवाना है, तो कौन से ऐसे ट्रिक्स और टिप्स हैं जो कि समझने जरूरी हैं? सैलरी वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट तो नहीं है कहीं पे अगर मैं बोलूं तो, लेकिन तो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो लोग कुछ ना कुछ टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सैलरी वालों के लिए एचआरए सबसे फेमस है और बहुत सारे लोग एचआरए की एग्जेम्पशन लेते हैं, जिसको हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं। और आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एचआरए देता है और आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में नहीं है, आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में है, तो एचआरए का एग्जेम्पशन आपको मिलता है। एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलता है, तो उसकी एग्जेम्पशन मिलती है या तो 40% या 50% ऑफ द सैलरी। 50% ऑफ सैलरी लेते हैं हम मेट्रो में, अगर आप रहते हैं दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई चेन्नई में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी। एंड अगर आप दूसरी किसी सिटीज में आप रहते हैं तो वहां पे 40% ऑफ सैलरी। एंड एक और उसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि आप जितना रेंट पे कर रहे हैं -10% ऑफ द सैलरी, तो रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी एंड आपका 40% or 50% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर वाला अमाउंट रहेगा उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी एचआरए की। ऐसे का ऐसे अगर लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको घूमने के लिए भेजता है और उसका लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिलता है, तो अगर आप इकोनॉमिक क्लास से ट्रेवल कर रहे हैं तो जितना भी आपका स्पेंड किया उसमें पूरा आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पूरा आपको छूट मिल जाएगी। सैलरी में अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं तो अलाउंसेस में आपको अगर कन्वेंस अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, हेल्पर अलाउंस मिलता है, एकेडमिक अलाउंस मिलता है, तो इसमें जितना आप स्पेंड करोगे, जितना आपने खर्चा कर लिया उतने का आपको एग्जेम्पशन है, वो सैलरी में मिल जाएगा। उसके साथ साथ में सैलरी के केस में आपका जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपके एम्प्लॉयर ने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसमें आपकी सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट है। तो आपकी सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट है अगर आपका एम्प्लॉयर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। उसके साथ साथ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे जो आपका इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट भी आपका एवरी ईयर 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। 9.5% के ऊपर वाला इंटरेस्ट रहेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। उसके साथ साथ में अगर एम्प्लॉय का खुद का जो ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है वो ईपीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशन पे आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, तो उसमें अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, आपका खुद के कंट्रीब्यूशन, तो उसका डिडक्शन आप ATCCD सबसेक्शन 1 में लेते हैं, और आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा ATCCD में, और ATCCD में 10% ऑफ सैलरी तक का आपको डिडक्शन मिलता है। उसके साथ साथ में एक और चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब न्यू पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में आप पैसा डालते हैं तो उसमें 50,000 का एक डिडक्शन मिलता है ATCCD 1B में, और वो 50,000 का डिडक्शन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज क्या होता है कि ATCCC एंड ATCCD सबसेक्शन 1, ये तीनों मिला के 150 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये ATCCD 1B का आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन आपको मिलता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए और आपको प्लान करना है अगले साल का।